Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में क्या थ्री मेजर ब्लेसिंग्स आने वाला है, थ्री मेजर चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं. सो वो क्या है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड सब चैनल प्रेडिक्शन गाइज. एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे जरूर उसको क्लेम करें. सो वी डू हैव द विल ऑफ द फॉर्चून. देखो फर्स्ट कार्ड ही कितना खूबसूरत है, ये अवेकनिंग. वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटेकल्स. यहाँ पे है हमारे पास जस्टिस, द स्टार. यहाँ पे है रिन्यूअल. बहुत ही ज्यादा मेजर अर्कनास है. All are major arcanas except this and this. Okay. So Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Aries and Scorpio are very important. Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs are very important. अभी हम दूसरा deck से देखेंगे and then we will start. और last में हम oracle से आपको messages देंगे. Okay. Alright. We do have the Esclarmonde. Therefore, this is the card of Empress. Okay. We do have the World of Truth. This is the Star card. तो यहाँ पे Star card दो बार है. ये भी नीचे जितने भी cards दिख रहे हैं अभी तक, ये भी तो दो card ही major arcanas ही है. Okay. हमारे पास है मैजिशियन. सब देखते ही जाओ आप. वी डू हैव द नाइन ऑफ शील्ड्स. ओके. वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एयर साइन एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरीज लियो एंड सजिटेरियस इज इम्पॉर्टेंट. लास्ट में है अगेन अमेजा कना. वी डू हैव द सन कार्ड. भले ही वर्ल्ड ऑफ लाइट है बट दिस इज द सन कार्ड. ठीक है. इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकता है 10, 12, 11, 17, 17 आप देख सकते हैं. ओके. वी डू हैव 10, 10, 10 इम्पोर्टेंट, 9 इम्पोर्टेंट, 3 इम्पोर्टेंट. ओके. तो चलो बोल देते हैं कि क्या हो सकता है. सो मुझे यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक दैट थ्री मेजर ब्लेसिंग्स में से फर्स्ट ब्लेसिंग इस तरह से हो सकता है कि इतना दिन से, यहाँ पे टू स्टार कार्ड्स आते हैं. सो आई डू फाइंड लाइक दैट इतना दिन से बहुत आप कुछ झेल रहे थे. ठीक है. जो आपके भाग्य में था वो उसका होना ही था. सो कहीं ना कहीं पे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था. यू आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स. इवन आपने काफ़ी कोशिश किया है, मेहनत किया है, सब कुछ चीज़ जैसे आपने सेम टू सेम करने की कोशिश भी किया है, लगातार एफर्ट्स दिया है, एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रायल एंड एरर हुआ है. 100% आप डेडिकेटेड थे उस चीज़ पर बट इट वॉज नॉट गिविंग यू गुड इंडिकेशन या गुड आउटकम नहीं दे रहा था. जैसे आपको लग रहा था
मेहनत तो मैं करती ही जा रही हूँ, मेहनत तो मैं करता ही जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके फल स्वरूप जो है वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। मिलने से भी ज़्यादा अगर आप सुनते थे भी कि चलो फल का आशा है मत करो, एक्सपेक्टेशन इतना मत रखो, सिर्फ काम करते जाओ, लेकिन एक हद तक, एक लिमिटेशन तक आप उस चीज़ को सहन कर पाते, लेकिन जब वो पानी सर से ऊपर चला जाता है तो वो आप सहन नहीं कर पा रहे थे, आपको बहुत कष्ट हो रहा था। आने वाले समय में द फर्स्ट चेंज इन योर लाइफ, द फर्स्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ इज लाइक दैट दैट आपके जो स्टार्स है, आपके कुंडली में जो स्टार्स है उसके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे जगह पे होने के वजह से या ट्रांजिट्स होने के वजह से बहुत फायदेमंद आपको लाभ मिलेगा। यू विल जस्ट एंटर इन टू द वर्ल्ड ऑफ, यू कैन से, हैप्पीनेस, हीलिंग, एंड ऑफ चैलेंजेस। चुनौती बहुत ज़्यादा था, संघर्ष बहुत ज़्यादा था, जैसे बहुत सारे सपने, इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड्स, दो विश आपके फुलफिल होंगे, ऑब्वियसली दो विश आपके ज़रूर फुलफिल होंगे। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है कि आप मे बी यू वॉन्टेड टू एडजस्ट विद अ न्यू एनवायरमेंट, आपको कोई नया जॉब मिलेगा या कहीं ना कहीं पे जाके कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसी के साथ डील करने का मौका मिलेगा, किसी फेमस पर्सन के साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठ के बात करने का मौका से लेकर अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेते जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट कि यस, द सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लगातार जैसे बोला जाता है ना, हार्वेस्टिंग पीरियड आपके लिए आ रहा है। जैसा फल कटाई के समय पे क्या होता है, फसल का कटाई होता है, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे वो परफेक्ट टाइमिंग आया ही नहीं था, बट वो समय आ रहा है। व्हेन यू आर गेटिंग द अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है, वो जो फल, वो जो आपने यहाँ पे देखो कितना सिमिलर है, वेर यू हैड ऑलरेडी प्लाउड द फील्ड, आपने ऑलरेडी इस फील्ड को, इस जो ज़मीन है इसको ऑलरेडी रेडी रखा था, ठीक है, आपने पूरी तरह से एफर्ट्स भी दिया हुआ है, नो मैटर व्हाट दिया है, लेकिन वो फल आपको इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस, इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शंस, ज़्यादा पैसा खर्चा करने का मौका, ठीक है, कहीं ना कहीं पे सेविंग्स करने का मौका, कहीं ना कहीं पे घर परिवार को और भी अच्छे से स्मूथली चलाने का मौका वो आपके लिए आ रहा है। सो आई डिफाइंड लाइक दैट। सो बहुत कुछ चीज़ जैसे होता है ना कि किसी गलत इल्ज़ाम के वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, मे बी इन द चाइल्डहुड, या आप जब टीनेजर थे, या आप मे बी हो सकता है रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसा हादसा ज़रूर रहा होगा जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं कि आपके साथ वो न्याय नहीं हुआ। तो फर्स्ट चेंज आई सॉ इज दैट हीलिंग कम्प्लीटली, विश फुलफिलमेंट, सेकेंड आई सॉ अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि न्याय मिलना, मतलब जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक आई डू सी लाइक दैट, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू विल बी सो मच डिटरमाइंड कि आप किसी को अप्रोच करेंगे और अपना केस आप फाइट करेंगे और वहाँ पे आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऑलरेडी जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ऑलरेडी न्याय मिल चुका होगा आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको शायद क्लैरिटी नहीं था कि कौन सा जगह पे जाना है, क्या करना है, कन्फ्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, दो चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूशन है, बट आप अपने आँखें, ठीक है, आपका जो अंतरात्मा है उसकी जो, मतलब यू कैन सी द वाइब्रेशंस ऑफ योर सोल इज गोइंग टू गेट हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर। सो बहुत कुछ चीज़ आप रियलाइज करने वाले हैं, जैसे नई सुबह का किरण जो होता है, सूर्य किरण, वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल फील होता है। हैव यू इमेजिन्ड कितना वो सुंदर होगा अगर वो आ जाता है हमारे घर में खिड़की के सामने, कितना सुंदर लगता है वो, द फीलिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि हमारे सोल एक नेक्स्ट लेवल वाइब्रेशन पर चला जाता है। सो कम्फर्ट
जोन में आप पहुंचेंगे एंड डेफिनेटली आप अपना हथियार जो है, आप अपना जो स्ट्रेटेजी है आप सही जगह पे यूज करते हुए दिखाई दे रहे हो. यू आर प्लानिंग, यू आर प्लॉटिंग, यू आर स्कीमिंग, वट एवर यू आर डूइंग. द विल ऑफ कर्मा, द विल ऑफ फॉर्चून इज डेफिनेटली गोइंग राउंड एंड राउंड. सबका टर्न आता है, ठीक है, सबको डर लगता है, सबका गला सूखता है, ठीक है, लेकिन सबका अच्छा समय भी तो आता है. उस अच्छे समय का आप जो इंतज़ार कर रहे थे एंड इट इज़ कमिंग वेरी फास्ट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू व्हीकल आप खरीदे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रीमॉडलिंग करें अपने घर का, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइक योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर. सो दिस आर द थ्री थिंग्स व्हाट आई हैव सेड. ओके, बाकी मैं आपको जस्ट एक एडवाइस देने वाली हूँ कार्ड से. जस्ट अब अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपके लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे ही रहा है मैनिफेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस है. सिर्फ नेगेटिव मुझे ये दिखा है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को सीरियसली इतना ज़्यादा मत लीजिए कि आप अपने आप को भूल जाए. नो, डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली टू दैट लेवल. ईजी लो, ईजी लो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है. सो वट इज़ योर एडवाइस. ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपकी एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी एडवाइस क्या है प्लीज़ गाइड करें. We do have the resistance, okay. Release. We do have boundaries, willpower. The unexpected things are definitely happening. Action. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, changes जो आएंगे या blessings जो आएंगे वहाँ पे रुकावट एक normal बात होता है. कि हम जब भी कुछ अच्छा हमारे साथ होने वाला होता है, घटित होने वाला होता है, वहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ चुनौती भी उसके साथ साथ चला आता है इन अ पैकेज. फॉर एग्जाम्पल आप एक चॉकलेट परचेस कर रहे हो, चॉकलेट के ऊपर रैपर होगा, वो रैपर आप खा सकते हैं नहीं, वो रैपर खाने से क्या होगा आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, ठीक है, बट चॉकलेट तो खा सकते हैं, राइट. सो बेसिकली जब हम अच्छी चीज़ लेने वाले होते हैं, प्राप्त करने वाले होते हैं, तब उसके साथ साथ बुरा भी आ जाता है उसके साथ साथ, ठीक है. आई विल गिव वन मोर एग्जांपल ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. नाउएडेज पीपल आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, राइट, पीपल आर एडिक्टेड टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स है. बहुत एडवांटेज भी है ऑनलाइन रहना कुछ लोगों के लिए, ये भी मैं बता देती हूँ, काफ़ी डिसएडवांटेज भी है. तो हर एक चीज़ जब ब्लेसिंग के तौर पर आता है, व्हेनेवर, ओके, कि कोई भी ओनर नहीं चाहेंगे कि उनके कंपनी में कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, वो अच्छे के लिए ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुरा भी एलिमेंट ऐड अप हो जाता है, ठीक है. So maybe you face certain things, but whatever you will do that, do it with confidence. जो भी करो दिल के साथ करो और confidence के साथ करो, तभी जाके unexpected चीज़ आपके साथ होगा. अगर आपने time bound कर दिया, नहीं मुझे एक साल के अंदर ये कर लेना ही है, so आप अपने आप को फिर रोकेंगे. मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के लिए काम आता है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा होता ही है कि आपने शायद ऐसा सोच लिया कि नहीं मुझे एक साल देना है बाद में क्विट कर देना. नो, अगर आप वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, यू कैन ट्राई वंस मोर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट. सो उस बाउंड्री में आप मत रहिएगा, क्या पता अनएक्सपेक्टेड हो ही रहा है ना आपके लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड बाय.